पंजाब विधानसभा च दूजे दिन की कार्रवाई भी हंगामे दे भेंट चढ़ गई है, जिस तों बाद अकाली दल ने वाकआउट किया। इस दौरान अकाली आगू अजीत सिंह कहाड़ ते साबका वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने कांग्रेसी मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ते गाला कढ़न दे दोष लगाए हन। इस दे नाल ही सदन च भारी हंगामा हो गया अते इस कारण स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 30 मिनट लई मुलतवी की। इस तों बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने बाद सिफर काल च भी हंगामा हो गया अते कार्रवाई फिर 30 मिनट लई मुलतवी करनी पई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही श्रोमणी अकाली दल के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। श्रोमणी अकाली दल के विधायक अपनी सीट पर खड़े हो गए और किसानों के मुद्दे पर चर्चे की मांग की। विधायक किसानों के मुद्दे पर काम रोकू मता लिया चाहते सन, इसते अकाली विधायक सदन च नारेबाजी कर लगे, जिसके जवाब से कांग्रेस के विधायकों ने भी अकाली दल के विरुद्ध नारेबाजी की। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अकाली दल के हमले किए और अकालिया वालों हंगामा करने पर तिखा वार किया। सिद्धू ने कहा कि अकालिया का हंगामा चोरी उपरों सीनाजोरी वर्गा है। स्पीकर वालों इस रोले रप्पे नूं वेखदे होया पंजाब विधानसभा की कार्रवाई नूं कल तक लई मुलतवी कर दिता गया है। किसानों का कर्जा माफ करने वास्ते, मजदूरों का कर्जा माफ करने वास्ते काम रोकू मता दिता। असी एक बारी नहीं दो बारी दिता है। ये सरकार अन्नी ते बोली हुई बैठी है, सुनने भी तैयार नहीं। असी चाहते हैं कि जो कमिटेड ये होए है मुख्यमंत्री साहब वो ये विश्वास दवा देन ते उत्ते मथे दे बहस करा देन। ये बहस नहीं करवाना चाहते, ये भजना चाहते आ ना कर्जा माफ करना इन्होंने ना कोई नौकरियां देनिया। अज इन्होंने एक नवी गल करती है कि सिद्धू साहब जिहड़े कैबिनेट मंत्री है असल उत्थे जो कमेंटरी करता रहिंदा है उहनू ये चेते रह गया उहने मावां भैणां दीआं गालां कढ़ियां उत्थे उत्ते हाउस में। असी यह भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब उत्ते नोट्स लैन, जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो उत्ते करनी चाहिए। सानू बादल साहब के नाते साढ़े नाम सारे दे दित्तियां ने, वेखो उहदा स्पीकर ऑन रखे है, होर किसी का स्पीकर ऑन नहीं, एक सिद्धू का स्पीकर जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਮਰੋ ਤੋਂ ਮਤਾ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਦਾ ਪਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि जे पहलों किसानों की मजदूरों की गल की जाए उत्ते विचार किया जाए तो फिर हाउस चले। सब तो अहम मसला यह है कि रोज दियाँ एक एक दो दो खुदकशियां होंदियां, नौकरी का वादा किया वो नहीं, कोई कोई वादा तो कोई इन्होंने जो भी करना सी इन्हें चाहिए सी पहली कैबिनेट मीटिंग में जिदा इन्होंने आख्या सी उदा ही कर लेते। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे।